हरियाणा के जींद की उचाना मंडी में कपास के भाव बढ़ने का इंतजार कर रहे किसान भाव न बढ़ने से अब कपास को बेचने मंडी में पहुंच रहे हैं कुछ दिनों से कपास की आवक में लगातार बढ़ोतरी हुई है इन दिनों तिरपन सौ से सात हजार रुपये प्रति क्विंटल तक के भाव किसानों को प्राइवेट बोली पर मिल रहे हैं बीते साल तिहत्तर से इक्यासी रुपये प्रति क्विंटल तक के भाव किसानों को मिल रहे थे किसानों को भाव बढ़ने की उम्मीद थी इसीलिए किसानों ने कुछ दिनों तक कपास को बेचने की बजाय घर खेत में स्टॉक कर लिया अब भाव न बढ़ने पर किसान फसल को बेचने के लिए मंडी में पहुंच रहे हैं मार्केट कमेटी में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार 20 फरवरी को नौ तो 21 फरवरी को एक नवासी तो 22 फरवरी को बारह तो 23 फरवरी को 1380 सौ क्विंटल कपास की खरीद प्राइवेट बोली पर की गई है अब तक एक लाख चार हजार एक सौ पच्चीस क्विंटल की खरीद मंडी में प्राइवेट बोली पर हो चुकी है वहीं आड़तियों का कहना है कि कुछ दिनों से कपास की आवक हरियाणा की मंडियों में बढ़ रही है कपास के भाव काफ़ी दिनों से उच्च क्वालिटी की कपास के सात हज़ार के आसपास मिल रहे हैं जिन किसानों को भाव बढ़ने की उम्मीद थी अब भाव न बढ़ पाने की वजह से कपास लेकर वो मंडी में पहुंच रहे हैं बीते साल की अपेक्षा इस साल कपास के भाव फिलहाल कम मिल रहे हैं लेकिन आवक मंडी में बीते साल से ज़्यादा हो रही है ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कुछ दिनों में मंडियों में आवक और बढ़ जाएगी ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी